केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने रैली निकालकर राहत राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। शिवपुरी कांग्रेस नेता सोमवार को सुबह 11 बजे तात्या टोपे समाधि स्थल पर एकजुट होने लगे, फिर दोपहर 12 बजे रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। लायंस क्लब चौराहे पर रुके, जहां 5 मिनट बाद प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर गाड़ी से पहुंचे। यहां से मंत्री तोमर के साथ सभी कांग्रेसी कलेक्टोरेट पहुंचे के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल नुकसान को लेकर ज्ञापन दिया था। केंद्रीय दल भेजने के लिए भी आग्रह किया था, फिर भी राहत राशि नहीं दी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया भेदभाव भरा है। कांग्रेस ने किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय राहत कोष से 6,621 करोड़ रुपए और अधोसंरचना पुनर्निर्माण के लिए 2,285 करोड़ की मांग की है। केंद्र सरकार में प्रदेश के प्रभावशाली मंत्री और 28 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसद होने के बाद भी प्रभावी पहल अब तक नहीं की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।